हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितेश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कैगल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि कैगल एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे जो भी डेटा सेट हमें चाहिए है वो मिल जाता है। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कैगल पे डेटा सेट्स के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको हेल्प कर सकती है डेटा साइंस सीखने में। इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब ऑनेस्टली कैगल पे इतनी चीज़ें हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि ये जो पूरा डिस्कशन है इसको मैं तीन वीडियोस में करूँगा। जो पहला वीडियो है ये वीडियो, इसमें मैं आपको कैगल की जो कोर फंक्शनैलिटीज़ है उसके बारे में बताऊँगा, कैगल का जो प्रोग्रेशन सिस्टम है उसके बारे में बताऊँगा, और जो कैगल का रैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। फिर जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये करके दिखाऊँगा कि आपको मैं दिखाऊँगा कि कैसे आप डेटा सेट्स अपलोड कर सकते हो कैगल के ऊपर। और जो थर्ड वीडियो है उसमें मैं आपको एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो द आइडिया इज़ कि ये तीन वीडियोज़ देखने के बाद आपको कैगल का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा इको सिस्टम है, वो अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आप उसको पूरे तरीके से यूज़ कर पाओ, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कैगल। एंड अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखते हो तो लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैं आपके साथ एक ऐसा रिसोर्स शेयर करूँगा जिसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया डेटा साइंस सीखने के प्रोसेस में, ठीक है। सो लेट्स नॉट वेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कैगल के जो कोर फीचर्स हैं उनकी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है जिसके लिए कैगल जाना जाता है वो है डेटा सेट्स। सो आई गेस सभी लोग, जितने भी लोग डेटा साइंस पढ़ते हैं, उन लोगों का जो सबसे प्रीमियम डेटा सोर्स होता है वो हमेशा कैगल ही होता है। मतलब मोस्टली उनके डेटा सेट्स कैगल से ही आते हैं। मेरे भी जो ज़्यादातर डेटा सेट्स हैं वो कैगल से ही मुझे मिले हैं। सो कैगल ओवर द ईयर्स मैंने खुद देखा है कि पिछले 5 सालों में बहुत इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जब मैंने 2016-17 में स्टार्ट किया था तब बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स नहीं थे, तब भी थे काफ़ी डेटा सेट्स, बट आज आपको जितने वैरायटी के डेटा सेट्स मिल जाते हैं कैगल पे, दैट इज़ इनसेन, ठीक है। आपको फिनेंस से लेकर के, स्पोर्ट्स से लेकर के, एंटरटेनमेंट, हर डोमेन का डेटा सेट मिलता है और हर दिन ये डेटा सेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको एज अ यूज़र आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो कल को अगर आपके पास एक डेटा सेट आ जाता है किसी तरीके से, आप उसको कैगल पे उस कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो, एंड दैट इज हाउ दिस कम्युनिटी हैज ग्रोन। इसी तरीके से कैगल के पास इतने सारे डेटा सेट्स आए हैं, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है कि धीरे धीरे कैगल ने अपने फीचर्स इंप्रूव किए। सो पहले मैं क्या करता था, जब मैं 2016-17 में काम करता था या उसके भी पहले शायद, कि मैं डेटा सेट्स डाउनलोड करके अपने मशीन पे उनके ऊपर काम करता था। बट ग्रेजुअली इन लोगों ने अपना कर्नल, इनका एक फीचर होता है जहाँ पे आप ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक्स पे काम कर सकते हो, उसको इतना स्ट्रांग बना दिया कि अब मैं कभी भी ऑफलाइन काम करता ही नहीं हूँ। जैसे ही मुझे कोई डेटा सेट पसंद आया, लेट्स से मुझे ये डेटा सेट पसंद आया, मैं इस डेटा सेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इधर आई कैन डाउनलोड द डेटा सेट, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली न्यू नोटबुक पे क्लिक कर सकता हूँ और मैं ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर ही इस डेटा सेट पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये रहा हमारा ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक, और यहाँ पे आप बिल्कुल उसी तरीके से काम करोगे जैसा आप ऑफलाइन जुपिटर में काम करते हो। जस्ट शिफ्ट एंटर प्रेस कर करके यू कैन राइट योर पाइथन का कोड। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आपको पाइथन का भी ऑप्शन मिलता है और आपको आर का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सारी लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल्ड है। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप यहाँ से लैंग्वेज वगैरह तो सेलेक्ट कर ही सकते हो, ऑल्सो यू कैन गेट अ GPU, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ एक्सेस फ्री GPU, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। बस आपको अपना अकाउंट पे फोन वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी नहीं कर रखा इसलिए मुझे यहाँ पे GPU का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, बट अगर डीप लर्निंग बेस्ड किसी डेटा सेट पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे GPU का भी पावर यूज कर सकते हो। तो अगर आप में से किसी के पास अच्छा लैपटॉप नहीं है ग्राफिक्स कार्ड वाला, तो आप ऑनलाइन ये काम कर सकते हो ऑन कैगल, ठीक है। तो ये एक फीचर है जो शायद मैं एकदम शुरू से यूज कर रहा हूँ कैगल का। जो सेकंड फीचर है वो है कोड का, ठीक है। सो कोड का फीचर क्या है कि आपके जितने भी डेटा सेट्स हैं, लेट्स से आप किसी एक डेटा सेट पे जब जाते हो, लेट्स से यही डेटा सेट उठा लेते हैं, हार्ट रेट, हार्ट फेलियर प्रेडिक्शन। अब यहाँ पे आप अगर कोई डेटा सेट पे काम कर रहे हो तो आप एक नोटबुक क्रिएट करोगे, एक जुपिटर नोटबुक क्रिएट करोगे, तो
जितने लोग भी इस डेटा सेट पे काम करते हैं, कैगल उन नोटबुक्स को ओपन सोर्स कर देता है। मतलब हम में से कोई भी जा करके किसी का भी काम देख सकता है। जैसे अगर मैं इस डेटा सेट पे आके काम कर रहा हूँ, आई कैन इजिली गो टू कोड सेक्शन, और यहाँ पे 70 और लोगों ने इस डेटा सेट पे काम किया है। मैं यहाँ पे फिल्टर में मोस्ट वोट सेलेक्ट करके सबसे जो अच्छी नोटबुक्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है ये देख सकता हूँ। तो ये भी एक फीचर है जो मुझे शुरू से बहुत हेल्प कर रहा है डेटा साइंस सीखने में। कोई भी डेटा सेट जो मुझे पसंद है, मैं कैगल पे उसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके कोड सेक्शन में जाता हूँ, और उसकी जो सबसे अच्छी नोटबुक्स है उनको मैं स्टडी करता हूँ। मतलब आई कैन ऑनेस्टली टेल यू, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत हेल्प किया डेटा साइंस सीखने में। शुरू शुरू में मैं बस सोने के पहले फोन उठाता था, किसी भी एक इंटरेस्टिंग डेटा सेट पे क्लिक करता था, और उसकी जो सबसे अच्छी नोटबुक्स थी मैं उनके ऊपर लाइक टाइम स्पेंड करता था कि इन्होंने क्या एनालिसिस किया है, किस तरह के एल्गोरिदम्स लगाए हैं, और किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा अप्रोच रखा है। ठीक है, और आप जब अपने से एक्सपीरियंस लोगों से सीखते हो ना, तो आपकी लर्निंग भी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो कैगल ने इसी चीज को एज अ फीचर अपनी वेबसाइट में डाला कि नॉट ओनली आपको डेटा सेट्स मिलेंगे, आपको बाकी लोगों ने उस डेटा सेट पे क्या काम किया है वो भी दिखाई देगा अंडर द कोड सेक्शन। तो ये जो दोनों फीचर्स हैं, डेटा सेट्स और कोड, ये वो फीचर्स हैं जिसने कैगल को कैगल बनाया। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड फीचर है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है कॉम्पिटिशंस का। ठीक है, सो अगर मैं कॉम्पिटिशंस पे क्लिक करूं तो आप कैगल के ऊपर कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज अ वे टू वैलिडेट योर नॉलेज। आपने जो भी पढ़ा आप उसको एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में ट्राई आउट कर सकते हो, लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो, टीम फॉर्म कर सकते हो और फिर कंपीट कर सकते हो दूसरी टीम्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बढ़िया प्राइज मनी रहता है। मतलब अगर आप ये कॉम्पिटिशन जीत जाओ तो एनीवेज आपका करियर सेट है, बट अगर आप टॉप 25% टीम्स में भी आते हो तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर आप कॉम्पिटिशन की बात करो तो कैगल पे अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं। एक कंपटीशन होता है जिसको ये लोग फीचर्ड कॉन्टेस्ट बोलते हैं, यहाँ पर एक गाइड दिया हुआ है इन लोगों ने। एक है फीचर्ड कॉम्पिटिशन्स, जो कि ये कॉम्पिटिशन्स है, अलग अलग कंपनीज क्या करती हैं कि वो कुछ चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट करके डालती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि कभी कभी कंपनीज भी कुछ डेटा साइंस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती, तो वो चाहती हैं कि डेटा साइंस की जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है कैगल की, अराउंड 80 लाख लोग यहाँ पे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो हो सकता है उनमें से किसी के पास हमारे प्रॉब्लम्स का जवाब हो। तो इसलिए वो उसको एज अ हैकाथॉन बना के डाल देते हैं, एज अ चैलेंज बना के डाल देते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी वो लोग रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो नीचे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट के लिए भी कंपनीज चैलेंजेस क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले टाइप का कॉन्टेस्ट जहाँ पे कंपनीज कॉन्टेस्ट क्रिएट करती हैं और लोग टीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड टाइप होता है रिसर्च कॉन्टेस्ट। सो कुछ कंपनीज अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को एज कॉम्पिटिशन बना के यहाँ पे डाल देती है। अगेन यहाँ भी प्राइज मनी इन्वॉल्व है, इट्स जस्ट इट्स अ रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसे कि एक बहुत फेमस रिसर्च प्रोजेक्ट है गूगल लैंडमार्क रिट्रीवल चैलेंज, जो अराउंड 3 साल पहले कैगल पे आया था। प्राइज मनी ऑब्वियसली उतना ज्यादा नहीं है रिसर्च प्रोजेक्ट्स का, बट यहाँ पे आपको सीखने को बहुत मिलता है। ठीक है, थर्ड टाइप के जो चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं गेटिंग स्टार्टेड और प्लेग्राउंड चैलेंजेस। ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस में कोई प्राइज मनी नहीं होता, ये सिर्फ सीखने के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं और इनका कोई डेडलाइन नहीं होता है। आप कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, कितने बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। द आइडिया इज कि आप लोगों के साथ कंपीट करो और सीखो। ठीक है, सो बहुत फेमस एक जो चैलेंज है वो है टाइटैनिक मशीन लर्निंग फ्रॉम डिजास्टर चैलेंज। आई गेस आपने कभी ना कभी इसका नाम सुन रखा होगा। तो दिस इज वॉट कॉम्पिटिशन इज, कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जा रहा है और एक प्राइज मनी का लालच दिया जा रहा है और एक टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है, और इतने टाइम ड्यूरेशन में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और अगर आप जीत पाए तो आपको ये प्राइज मनी मिलेगा और बाकी आप खूब सारा सीखते हो। ठीक है, अब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कैसे करना है इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, बट या दिस इज द थर्ड फीचर जिसके लिए कैगल को बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी दो और फीचर्स हैं कागल में जो अब ग्रेजुअली थोड़ा फेमस होने लगे हैं। सो एक फीचर है डिस्कशंस का। अब ऑब्वियसली बात है, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे 80 लाख लोग होंगे और वो कुछ सीख रहे होंगे, तो सीखने के प्रोसेस में लोगों को डाउट्स होंगे, और फिर हेल्प कौन कर सकता है, एक दूसरे को हम लोग ही कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कैगल ने, कि उन्होंने फोरम क्रिएट कर दिया है, जैसा ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, यहाँ पर आप जा करके अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो,
या फिर आप किसी और के डाउट पे जा करके आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। द गुड पार्ट इज कि कैगल आपको लाइक मार्क्स देता है या फिर आपके प्रोफाइल को बूस्ट करता है अगर आप दूसरों का हेल्प करते हो, ठीक है। ये सब मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा, बट डिस्कशंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। कई बार मुझे जो डाउट्स मुझे रिजॉल्व नहीं हो पाए मेरे खुद से या फिर इंटरनेट से, वो जाकर के मेरा कैगल की कम्युनिटी पे जाके सॉल्व हो गया। दिस इज अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी, लोग हेल्प करना चाहते हैं एक दूसरे की, सो दैट इज वाई अगर आप कुछ पोस्ट करोगे यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रोबेबिलिटी है कि आपको जल्दी से उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट फीचर मैं डिस्कस करूंगा वो है कोर्सेज। ये थोड़ा नया फीचर है और द आइडिया इज वेरी सिंपल कि कैगल ने बोला कि इतने सारे लोग आते हैं उसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज जो लोगों का है वो बिगिनर्स हैं, तो इन्होंने कुछ स्टैंडर्डाइज्ड शॉर्ट कोर्सेज बना दिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। सो पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, फीचर इंजीनियरिंग, SQL, कंप्यूटर विजन, टाइम सीरीज, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना मशीन लर्निंग सीखने में, इनके ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे कैगल के ऊपर। जैसे ये पाइथन का कोर्स है। अब इनका जो कोर्स होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहले तो कुछ लेसन्स होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो लेसन्स होते हैं ये टेक्स्चुअल लेसन्स होते हैं, लाइक ये वीडियो कोर्सेज नहीं है, ये टेक्स्ट बेस्ड कोर्सेज हैं। ब्लॉग्स मिलेंगे आपको और साथ ही साथ उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगो कि कितने अच्छे हैं ये कोर्सेज, क्या सिर्फ इनको पढ़ के मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, आई वुड से नॉट रियली। ये एक्चुअली कंप्लीट कोर्सेज नहीं है, आई वुड से कि अगर आप थोड़ा पढ़ के बैठे हो तो आप सेकेंड लेवल पे आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, बट एकदम बिगनर के लिए कंप्लीट कोर्सेज नहीं है, मतलब इतना पढ़ने के अलावा आपको और पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे अभी और काम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे इन्होंने लेसन्स ऐड किए हैं और ज़्यादा कोर्सेज भी ऐड किए हैं, बट स्टिल अभी थोड़ा टाइम और है इस फीचर को और अच्छा इम्प्रूव होने में, ठीक है। तो ये पांच फीचर्स हैं जो कैगल के कोर फीचर्स हैं, ठीक है। डेटा सेट्स प्लस कोड, दैट इज कर्नल्स या नोटबुक्स, कॉम्पिटिशंस, डिस्कशंस एंड कोर्सेज, ठीक है। अब यहां से मैं डिस्कशन को मूव करूंगा टुवर्ड्स आपका जो प्रोफाइल होता है कैगल में, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैगल पे जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हो तो वो कैसा दिखाई देता है। जैसे ये एक कटआउट है एक किसी बहुत ही लेजेंडरी बंदे का, एक्चुअली एक आई गेस सैम्पल प्रोफाइल है जो कैगल के डॉक्यूमेंटेशन में मुझे मिला। सो आपका भी प्रोफाइल जब कैगल पे बनेगा तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, एक तरफ आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपके डिटेल्स, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हो, आपने कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, कितने डेटा सेट्स आपने अपलोड किए, कितने कोड्स आपने लिखे, कितने डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किए, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके प्रोफाइल में होती है वो होती है ये जो लास्ट में आपको ये चार बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। सो कैगल की जो चार इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, कॉम्पिटिशंस, डेटा सेट्स, नोटबुक्स और डिस्कशंस, इनमें आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो ना और जितना अच्छा परफॉर्म करते हो, कैगल आपको काइंड ऑफ आपको प्रमोशन देता है, आपके प्रोफाइल को प्रमोशन देता है। तो कैगल में अलग अलग टीयर्स है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नोविस टू ग्रैंड मास्टर, और जितना आप काम करते जाओगे इन चारों कैटेगरीज में आपको अलग अलग टीयर्स एलोकेट होते जाएंगे, और जितना बढ़िया टीयर उतना रेप्यूटेड आपका प्रोफाइल होगा, एंड यू नेवर नो यहाँ से भी आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि कैगल पे जो प्रोग्रेशन होता है किसी यूज़र का कि आपका प्रोफाइल कैसे कैसे ऊपर उठता है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि इसका आइडिया बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। सो अलग अलग परफॉर्मेंस टीयर्स की अगर आप बात करो कैगल पे, तो सबसे पहला होता है नोविस, फिर होता है कॉन्ट्रीब्यूटर, फिर होता है एक्सपर्ट, मास्टर, और जो सबसे पावरफुल प्रोफाइल है वो है ग्रैंड मास्टर, ठीक है। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको चारों कैटेगरीज में, डेटा सेट्स, कॉम्पिटिशंस, डिस्कशंस और नोटबुक्स, आपको इनमें ग्रैंड मास्टर बनना है, ठीक है। अब कैसे बन सकते हो वो देखते हैं। सो नोविस तो आप जैसे ही रजिस्टर करोगे आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे, ये आपका डिफॉल्ट टीयर है। कोई भी यूजर जैसे ही कैगल पे अकाउंट बनाएगा उसके अकाउंट में हर जगह लिखा होगा नोविस, ठीक है। अब उससे एक स्टेप ऊपर होता है कॉन्ट्रीब्यूटर, और आप कॉन्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हो, बहुत सिंपल है, अगर आप ये चार टास्क कर दो तो आप कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। सबसे पहला आपको एटलीस्ट एक नोटबुक बनानी पड़ेगी,
सेकेंड, आपको एटलीस्ट एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. थर्ड, एटलीस्ट एक कमेंट करना पड़ेगा. और फोर्थ, एटलीस्ट एक अपवोट देना पड़ेगा. ये चार काम आप जैसे ही करोगे, आपके नाम के आगे आपके प्रोफाइल में कॉन्ट्रीब्यूटर आ जाएगा. अब इसके आगे के जो तीन टीयर्स हैं, एक्सपर्ट, मास्टर और ग्रैंड मास्टर, वो बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है. और चारों ही चीजों में अलग अलग तरीके से आप अपना रास्ता तय करते हो, ठीक है. डेटा सेट में आप अलग तरीके से ग्रैंड मास्टर बनते हो, कॉम्पिटिशन में अलग तरीके से, नोटबुक्स में अलग तरीके से. तो मैं बहुत डिटेल में आपको एक एक करके समझाता हूँ कि आप चारों कैटेगरीज में ग्रैंड मास्टर किस तरीके से बन सकते हो. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन से. सो डिस्कशन, जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑनलाइन फोरम पे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितने लोगों का हेल्प कर रहे हो, ठीक है, इसको कैगल रेट करता है. सो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, बाय द वे एक्सपर्ट आप जैसे ही बनते हो, आपको कैगल पे एक रैंकिंग मिलनी शुरू हो जाती है. मैं थोड़ी देर के बाद आपको कैगल की रैंकिंग दिखाऊंगा, बट वो रैंकिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एक्सपर्ट लेवल पे होगे. इसके नीचे वाले लेवल्स पे आपको रैंक नहीं किया जाता, आपको बच्चा समझा जाता है. सो अगर आप कॉन्ट्रीब्यूटर हो या फिर नोवेस हो, तो आपको कोई रैंक नहीं मिलेगा. रैंकिंग स्टार्ट होती है एक्सपर्ट लेवल पे, ठीक है. अगर आपको डिस्कशंस में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको 50 ब्रॉन्ज मेडल जीतने पड़ेंगे. अब आप बोलोगे ब्रॉन्ज मेडल कैसे जीते जाते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है. अब बात करते हैं अगर आपको मास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा डिस्कशन में. बाय द वे, मास्टर जैसे ही आप बनोगे, तो आप कुछ मास्टर ओनली कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. ये एक एडेड बेनिफिट है, ठीक है. और आपको अगर डिस्कशंस में मास्टर बनना है, तो आपको 50 सिल्वर मेडल्स जीतने पड़ेंगे और आपके प्रोफाइल में टोटल मिला के 200 मेडल्स होने चाहिए, ठीक है. और अगर आपको ग्रैंड मास्टर बनना है, विच इज द बेस्ट वन, तो फिर आपको मिनिमम 50 गोल्ड मेडल्स होने चाहिए और आपके पास टोटल मिला के 500 मेडल्स होने चाहिए आपकी प्रोफाइल में. अब आप पूछोगे कि ये जो मेडल्स हैं ये कैसे जीते जाते हैं. बहुत सिंपल है, यहां पे ध्यान दो. ब्रॉन्ज मतलब 5 वोट्स मिलने चाहिए आपके कमेंट को, सिल्वर मतलब 20 वोट्स मिलने चाहिए, गोल्ड मतलब 50 वोट्स मिलने चाहिए. लेट मी शो यू. सो अगर आप यहां पे डिस्कशंस में जाओ, और किसी भी डिस्कशन में अगर आप जाते हो, लेट्स से इस डिस्कशन में, और यहां पर अगर आप देखो, तो ये आपका वोट्स, ठीक है. जैसे ये वोट्स बढ़ने लग जाते हैं, आपको मेडल्स मिलने लग जाते हैं. सो इन्हीं को बोला जा रहा है, अगर आप 5 वोट्स जुटा पाए तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा. अगर आप मतलब एक ऑब्वियसली एक सिंगल कमेंट के ऊपर, और अगर आप 20 वोट्स जुटा पाए तो सिल्वर मेडल मिलेगा, और गोल्ड जुटा पाए तो आपको 50 वोट्स मिलेंगे, ठीक है. आई एम सॉरी, अगर आप 50 वोट्स जुटा पाए तो आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा, ठीक है. ऑल्सो ये जो वोट्स हैं, ये आपको एक्सपर्ट लेवल ऑनवर्ड्स जो लोग हैं उनसे मिलना चाहिए. सो अगर कोई नोविस कर रहा है या फिर कोई कॉन्ट्रीब्यूटर कर रहा है, तो वो काउंट नहीं होता है, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको डेटा सेट में ग्रैंड मास्टर बनना है, तो कैसे बनोगे वो देख लेते हैं. एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 3 ब्रॉन्ज मेडल चाहिए, मास्टर बनने के लिए आपको 1 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल होने चाहिए आपके पास, और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपके पास 5 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर मेडल होने चाहिए. और यहाँ पे मेडल्स आप इस तरीके से जीतते हो. सो अगर आपके डेटा सेट को 1 वोट मिला है, तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा. अगर आपको 5 वोट्स मिले हैं, तो सिल्वर मेडल मिल जाएगा, और आपको 10 वोट्स मिले हैं, तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा. बट अगेन, ये जो वोटिंग है, ये उन लोगों के थ्रू होनी चाहिए जो लोग एटलीस्ट एक्सपर्ट लेवल पर है. एक चीज मैंने गलत बोली यहाँ पे, और वो ये है कि मैंने बोला कि जो वोटिंग होगी वो एक्सपर्ट ऑनवर्ड काउंट होती है, ऐसा नहीं है. कॉन्ट्रीब्यूटर ऑनवर्ड्स काउंट होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट ऑल अपवोट्स काउंट टुवर्ड्स मेडल, वोट्स बाय नोविसेस आर एक्सक्लूडेड, ठीक है. सेम गोज फॉर डेटा सेट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वोट्स बाय नोविसेस आर एक्सक्लूडेड, ठीक है. सो ये एक छोटी सी चीज मिस्टेक हुई. अब लेट्स डिस्कस कि अगर आप नोटबुक में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, नोटबुक में ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हो इनफैक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा. एक्सपर्ट बनने के लिए 5 ब्रॉन्ज मेडल्स, मास्टर बनने के लिए 10 सिल्वर मेडल्स,
और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 15 गोल्ड मेडल्स। और यहाँ पे भी ये रहा आपका मार्किंग स्कीम, 5 वोट्स अगर आपको मिले कॉन्ट्रीब्यूटर ऑनवर्ड्स यूजर से ब्रॉन्ज मेडल, 20 वोट्स अगर मिले कॉन्ट्रीब्यूटर ऑनवर्ड्स तो सिल्वर मेडल, और अगर आपको 50 वोट्स मिलते हैं किसी नोटबुक के ऊपर तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द जर्नी फॉर बिकमिंग अ ग्रैंड मास्टर इन नोटबुक्स। लास्ट बट प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, कॉम्पिटिशन्स में अगर आपको ग्रैंड मास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतने पड़ेंगे, मास्टर बनने के लिए 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीतना पड़ेगा, और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपके पास 5 गोल्ड मेडल्स और 1 सोलो गोल्ड मेडल होना चाहिए। सोलो गोल्ड मेडल मतलब उस कंपटीशन में सिर्फ आपको गोल्ड मेडल मिला हो, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप पूछो कि मेडल्स कैसे मिलते हैं तो ये थोड़ा अलग है। ठीक है, सो यहां पर यू कैन सी कि ब्रॉन्ज मेडल अगर 100 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं या फिर लेट्स से 99 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अगर आप टॉप 40 में आ जाते हो तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा, अगर आप टॉप 20 में आ जाते हो तो आपको सिल्वर मेडल मिल जाएगा, और अगर आप टॉप 10 में आ जाते हो तो आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। मतलब टॉप 10 में आते ही आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा यहां पर देखो, जब टीम्स बड़ी हो जाती हैं, ज्यादा टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो अगर आप टॉप 100 में आते हो, यहाँ पे अब परसेंट की बात नहीं चल रही है, अगर आप टॉप 100 में आते हो तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, टॉप 50 में आते हो तो सिल्वर मेडल मिलता है, और टॉप 10+0.2% में अगर आप आते हो तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है। अब आप पूछोगे ये 0.2% क्या होता है। सो कैगल का सिंपल फंडा ये है कि हर एडिशनल 500 टीम के ऊपर एक एक्स्ट्रा टीम को गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है, सो अगर एक कंपटीशन में 500 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो टॉप 10+1 11 टीम्स को गोल्ड मेडल मिलेगा। ठीक है, अगर 5,000 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 10+10 20 टीम्स को गोल्ड मेडल मिलेगा। ठीक है, और सेम कैलकुलेशन आपका 1,000 टीम्स प्लस यहां पर भी है। ठीक है, बेसिकली आपको टॉप 10% में रहना पड़ेगा तो आपको गोल्ड मेडल मिलने का चांसेस है। ठीक है, और इसके अलावा एक बहुत डिफिकल्ट क्लॉज है, सोलो गोल्ड मेडल। ठीक है, अगर आप ये पूरा चीज अचीव कर पाते हो तो आपको मिलता है ग्रैंड मास्टर का अवार्ड। ठीक है, अब काफी यूजर्स ऐसे भी हैं कैगल के ऊपर जिन लोगों ने मल्टीपल कैटेगरीज में ग्रैंड मास्टर का स्टेटस अचीव किया। इनफैक्ट देर आर सर्टेन ट्रिपल ग्रैंड मास्टर्स जिन लोगों को 3 कैटेगरीज में ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप कुछ कर पाओगे तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर तो कंपनीज आपके लिए लड़ाई करेंगी। बट या ये है कैगल का प्रोग्रेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है कैगल में, और वो है कैगल का रैंकिंग सिस्टम। सो अगर आप यहां पे जाते हो और अगर आप यूजर रैंकिंग्स पे क्लिक करते हो तो दिस इज कैगल का रैंकिंग। ठीक है, चारों कैटेगरीज में। सो कैगल क्या कर रहा है, हर यूजर को जो भी कंट्रीब्यूटर ऑनवर्ड्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, मास्टर्स हैं और ग्रैंड मास्टर्स हैं, उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन कि उन्होंने कितने पॉइंट्स कमाए हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कैसे कमाए जाते हैं ये भी हमें सीखना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ी देर में सिखाता हूँ। बट यू कैन सी जैसे ये यूजर है डाइटर, ही इज नंबर 1 राइट नाउ इन द एंटायर वर्ल्ड इन द ग्रैंड इन द कॉम्पिटिशन कैटेगरी। अगर आप डेटा सेट्स में जाओ तो लार्जेग जो भी बंदे का नाम है, ये बंदा आपका नंबर 1 है डेटा सेट्स में। देर इज दिस गाय फ्रॉम इंडिया, SRK, ही इज वेरी फेमस ऑन कैगल। इसके नोटबुक्स वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सही बनाता है। ठीक है, सेम गोज विथ नोटबुक्स एंड सेम गोज विथ डिस्कशंस। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे स्टैट्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कैगल रैंकिंग्स कैसे बनती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द कैगल रैंकिंग पेज इज अ लाइव लीडर बोर्ड ऑफ एब्सोल्यूट बेस्ट डेटा साइंटिस्ट ऑन कैगल। ईच कैटेगरी ऑफ एक्सपर्टीज हैज इट्स ओन लीडर बोर्ड एंड पॉइंट सिस्टम। कॉम्पिटिशन्स का अलग, डेटा सेट्स का अलग, नोटबुक्स का अलग। ठीक है, अ डेटा साइंस साइंटिस्ट प्रोफाइल विल डिस्प्ले देयर करेंट रैंक एज वेल एज द हाइएस्ट रैंक दैट दे हैव अचीव फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, अ डेटा साइंटिस्ट मस्ट बी एन एक्सपर्ट टीयर और हायर टू बी रैंक्ड फॉर दैट कैटेगरी। आपकी रैंकिंग तभी आएगी जब आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एटलीस्ट एक्सपर्ट वाले टीयर में हो। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, जो पॉइंट्स हैं
जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जैसे कि इस जगह पे ये जो पॉइंट्स हैं, कहाँ गया इसका पॉइंट, नहीं दिख रहा मुझे, जो भी है हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, व्हाइल टीयर्स एंड मेडल्स आर परमानेंट रिप्रेजेंटेशंस, आपने कितने मेडल्स जीते हैं और आपने कौन सा टीयर स्टे अचीव कर लिया है कि आप ग्रैंड मास्टर बन चुके हो, वो परमानेंट है, वो आपके प्रोफाइल में हमेशा रहते हैं। बट ये जो पॉइंट्स हैं ये इस तरीके से डिजाइंड है कि ये ओवर टाइम डीके करते हैं। अगर आप मान लो एक यूजर है जो एक साल पहले ग्रैंड मास्टर बन चुका है, अब उसने एक साल से कैगल पे कोई काम ही नहीं किया, तो ये जो पॉइंट सिस्टम है इस तरीके से डिजाइंड है कि अब वो बंदा नीचे चला जाएगा क्योंकि उसके पॉइंट्स डीके होंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस कीप्स कैगल्स रैंकिंग कंटेम्प्रेरी एंड कंपेटिटिव, सो दैट कोई अगर फर्स्ट रैंक पे पहुंच चुका है तो उसको फर्स्ट रैंक पे रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन का बात करो तो ये रहा वो फॉर्मूला जिसको यूज करके कैगल कैलकुलेट करता है कि उस पर्टिकुलर कंपटीशन में उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जितने कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करते जाओगे वो मार्क्स ऐड होते जाते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्पिटिशन पॉइंट्स आर अवार्डेड बेस्ड ऑन हाउ वेल अ टीम डिड इन कॉम्पिटिशन, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द टीम एंड द नंबर ऑफ टीम्स इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये डीके वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपका पूरे मार्क्स है और फिर ये डीके से मल्टीप्लाई हो जाता है, सो दैट जितने दिन बीतते जाएंगे इन पॉइंट्स का महत्व जो है, जो इंपॉर्टेंस है वो कम होता जाएगा, ठीक है। कंपटीशन में थोड़ा डिफिकल्ट है ये पूरा फॉर्मूला, डेटा सेट में बहुत सिंपल है, डेटा सेट वाली कैटेगरी में बहुत सिंपल है। डेटा सेट पॉइंट्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ पब्लिक डेटा सेट अ कैगलर हैज क्रिएटेड, ईच अपवोट ऑन अ डेटा सेट इज इनिशियली वर्थ 1 पॉइंट एंड देन इट डीकेस बेस्ड ऑन द डे वोट वॉज कास्ट। बेसिकली वन को आप जितने भी पॉइंट्स आपके, जितने भी अपवोट्स आपके डेटा सेट पे है, मल्टीप्लाइड बाय दिस फॉर्मूला, जहां पे टी नंबर ऑफ डेज है जब आपने वो डेटा सेट क्रिएट किया था, ठीक है। तो उस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। नोटबुक्स में भी सेम है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, ईच अपवोट ऑन अ नोटबुक इज इनिशियली वर्थ 1 पॉइंट और फिर वो डीके करता जाता है, ठीक है। और अगर आप डिस्कशंस की बात करो तो डिस्कशंस में अपवोट्स भी होते हैं और डाउनवोट्स भी होते हैं, तो उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय ये जो फॉर्मूला है डीके वाला, ठीक है। तो दैट इज हाउ पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड। तो आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट ये इतना वेल डिजाइंड है कि अगर आप यहाँ पर जाओ इन रैंकिंग्स में, तो जो आपके सबसे एलीट डेटा साइंटिस्ट हैं आपके प्लेटफॉर्म पे वो ऊपर आ जाते हैं और जो सबसे एक्टिव है करेंटली। तो मैं एक काम बहुत करता हूँ कि मैं जो टॉप नोटबुक्स वाले बंदे हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनका प्रोफाइल ओपन करके आई गो टू देयर प्रोफाइल, जैसे कि दिस गाय अभिषेक ठाकुर, ही इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिपल ग्रैंड मास्टर 3 अलग कैटेगरीज में, इनफैक्ट अभी ये चारों कैटेगरीज में ग्रैंड मास्टर है, यू कैन सी। और मैं इनके नोटबुक्स पढ़ता हूँ कि इन्होंने अपने एनालिसिस में किस तरीके से काम किया, ठीक है। सो जैसे कि इन्होंने अलग अलग डेटा सेट्स पे काम किया, तो आई कैन जस्ट गो एंड सी कि इस बंदे का जो पूरा एनालिसिस स्टाइल है वो कैसा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कैगल रैंकिंग आपको इस तरीके से हेल्प कर सकती है कि जो सबसे एलीट कैगलर्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो और उनका काम देख सकते हो, और वो फॉलो करने से आपका काम भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो आई गेस आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई। सो या गाइस, अब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कैगल का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जाते जाते मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करूंगा जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया डेटा साइंस सीखने में। सो कैगल का एक डेटा सेट है मेटा कैगल बोल के। सो ये डेटा सेट है कैगल का ही। सो कैगल ने क्या किया, अपना जो इंटरनल डेटाबेस है कि कॉम्पिटिशन्स कौन कौन से हैं, कौन से यूजर्स हैं, कितने सबमिशन स्कोर्स हैं, कितने कर्नल्स हैं, ये सारा डेटा ना उन लोगों ने आउटसोर्स कर दिया जैसे कि एज अ डेटा सेट बना के। और फिर कैगलर्स ने क्या किया कि उस डेटा सेट के ऊपर एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो ये है कि आपके पास कुछ बहुत सही नोटबुक्स आ गई हैं। जैसे कि ये नोटबुक देखो, ये जो बंदा है एसआर के, इसने एक नोटबुक बनाया है विनिंग सॉल्यूशन ऑफ कैगल कॉम्पिटिशन। तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं कैगल में उनकी जो विनिंग टीम्स हैं उनके सोल्यूशंस का ये लिस्ट है,
तो आप सीधे जाकर के पास्ट कॉम्पिटिशन्स के जो विनिंग सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ सकते हो। इमेजिन आपको कितना फायदा होगा। फिर एक और बंदा है, इसने क्या किया कि एक नोटबुक बनाया है जहां पे टॉपिक वाइज जो बेस्ट नोटबुक्स हैं कैगल के ऊपर उनका ये लिस्ट है। सो अगर आप लीनियर रिग्रेशन के बेस्ट नोटबुक्स देखना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ये लाइन से बेस्ट नोटबुक्स हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में। फिर ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेस्ट नोटबुक्स हैं और ऐसा मशीन लर्निंग के हर टॉपिक के ऊपर जो कैगल के बेस्ट नोटबुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इस नोटबुक के ऊपर जाने से। सो मैं पर्सनली ये नोटबुक बहुत यूज किया हूँ पिछले 2-3 सालों में कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, लेट्स से मैं न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं जाके जो टॉप नोटबुक्स हैं मैं पढ़ता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से अप्रोच किया गया चीजों को, और उससे मेरा नॉलेज बहुत तेजी से ग्रो किया। ठीक है, तो ये जो मेटा कैगल है ना इसमें आपको कई चीजें मिलेंगी। जैसे ये एक किसी ने नोटबुक बनाया है अ कलेक्शन ऑफ अंडररेटेड नोटबुक्स, आप इसको जाके पढ़ सकते हो। तो ये काइंड ऑफ एक खजाना है नॉलेज का, कैगल पे जो बेस्ट चीजें है ना वो आपको निकाल के यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। आई होप कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो या सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आई होप मैं आपको समझा पाया कि कैगल कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैं 2 और वीडियोज प्लान कर रहा हूँ कैगल के ऊपर। एक वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद का डेटा सेट कैसे अपलोड कर सकते हो कैगल पे, ये मैं आपको बताऊंगा। और सेकेंड डेटा सेट में एक कॉम्पिटिशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।